गोपी कांदन। थाना अंतर्गत दुमका पाकुड़ महेशपुर मुख्य सड़क गुम्मा मोड़ चौक में लिट्टी पाड़ा विधानसभा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी अपने कार्यकर्ताओं के बीच हुल दिवस के 168वां समारोह में शामिल हुए। सिद्धो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने के बाद विधायक दिनेश विलियम मरांडी का भव्य स्वागत पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ किया गया। वहीं फातिमा उच्च विद्यालय के बालिकाओं ने स्वागत गान गाया। फिर शहीदों को माल्यार्पण के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा, अंग्रेजों की दास्ता के विरोध सिद्धो कानू ने 30 जून 1854 को बिगुल फूका था, जो व्यापक रूप से आंदोलन काफी तेजी से फैला था। वीर शहीद हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। जल जंगल व जमीन के हक अधिकार को लेकर झामुमो सदैव लड़ाई लड़ते आ रहा है। आदिवासी के हक हित को लेकर बने SPTCNT एक्ट के साथ भाजपा छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, जो कभी सफल नहीं होंगे। विधायक गोपी कांदन अंतर्गत टाइजोर पंचायत गांव रोलढ़ी में नवनिर्मित सिद्धो कानू की प्रतिमा का अनावरण किया व प्रधानों को सम्मानित किया। वहीं आम लोगों से भी रूबरू होकर समस्या सुनी। मौके पर गोपी कांदन थाना प्रभारी दिलीप पाल, अनंत कुमार झा जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सह CO हैं, विधायक प्रतिनिधि लखीम चंद मंडल, दशरथ भगत, बदरूल शेख आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।